दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कंपटीशन एनालिसिस यूट्यूब चैनल पे। आज उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड की तरफ से जो असिस्टेंट ऑपरेटर बोले तो सहायक परिचारक की वैकेंसी निकली है, उसके बारे में मैं आप लोगों को इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल देने वाला हूँ, A to Z डिटेल्स जो भी इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग है। तो आइए शुरू करते हैं। साथ ही दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि कंपटीशन एनालिसिस यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें ताकि आप लोगों के रिगार्डिंग जो भी लेटेस्ट रिक्रूटमेंट वैकेंसीज निकले उन सब के रिगार्डिंग जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स होगा मैं आप लोगों को इस चैनल पे प्रोवाइड करता रहूँगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इसका इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है। तो इसका इम्पोर्टेंट डेट्स आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि इम्पोर्टेंट डेट्स है 20 जनवरी 2022 से ये स्टार्ट हो रहा है, जबकि लास्ट फॉर्म फिलअप का जो डेट है वो 28 फरवरी 2022 है। साथ ही में इसमें जो आवेदन शुल्क के बारे में बताया गया है वो 400 रुपये बताया गया, यानी टोटल 400 रुपीज़ आवेदन शुल्क है। उसके अलावा अगर हम वैकेंसीज की बात करें कि वैकेंसीज कितनी है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल वैकेंसी जो है 1374 है, जिसमें अगर हम लोग बात करें कि अनरिजर्व्ड 525, साथ में EWS के लिए 137, OBC नॉन क्रीमी लेयर अगर बात करें तो 370, और SC और ST के लिए आप देख सकते हैं 288 एंड 27 वैकेंसीज। तो टोटल इन टोटल टोटल 1374 वैकेंसीज़ है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या है, तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में आप लोग देख सकते हैं कि किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपका 10+2 होना चाहिए, और साथ ही साथ आपका फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके अलावा अगर बात किया जाए एज लिमिट का, तो एज लिमिट यहाँ पर आप देख सकते हैं जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 18 to 22 वर्ष के बीच में, यानी 1 जुलाई 2022 तक मिनिमम 18 एंड 1 जुलाई 2022 तक मिनिमम 18 और मैक्सिमम 22 हो सकता है। यानी अगर बात किया जाए तो अभ्यर्थी का जन्म दिनांक 1 जुलाई 2000 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2004 के बाद का ना हो, तो ये जो है आपका एज लिमिट है जनरल के लिए। इसमें कुछ जो छूट होगा OBC SC ST तो वो आप देख सकते हैं। साथ में अगर सिलेबस की बात की जाए कि इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग सिलेबस क्या है, तो सिलेबस में आप देख सकते हैं कि चार सेक्शन है, चार सेक्शन। एक है हिंदी जो कि 100 मार्क्स का है, साथ में अगर बात किया जाए विज्ञान स्लैश सामान्य ज्ञान वो भी 100 मार्क्स का है, उसके बाद मैथमेटिक्स की बात की जाए तो वो भी 100 मार्क्स का है, और रीजनिंग भी 100 मार्क्स का। तो टोटल 400 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा, जो कि 2.5 घंटे का परीक्षा होगा, यानी बोले तो 150 मिनट का परीक्षा होगा 400 नंबर के क्वेश्चन पेपर का। उसके बाद हम फिजिकल स्टैंडर्ड की बात कर सकते हैं, तो पुरुषों के लिए आप देख सकते हैं मिनिमम जो हाइट है वो 168 सेंटीमीटर है, वही अनुसूचित जनजाति के लिए न्यूनतम जो है वो 160 सेंटीमीटर है। ठीक है, यानी जनरल एंड OBC के लिए मिनिमम जो हाइट है वो 168 है। उसके साथ ही अगर हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे सीने का भी दिया हुआ है कि मिनिमम 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए और मैक्सिमम 84 और मिनिमम 84 सेंटीमीटर फुलाकर, यानी कम से कम 5 सेंटीमीटर फुलाना अनिवार्य है। अगर वुमेन के लिए बात किया जाए तो वुमेन अभ्यर्थियों के लिए जो न्यूनतम हाइट दी गई है जनरल एंड OBC कैंडिडेट्स के लिए वो 152 है, वही SC और ST की बात करें तो वहाँ पे 147 है, और साथ ही साथ मिनिमम वेट जो बताया गया है महिलाओं के लिए वो 40 किलोग्राम तक होना चाहिए। इसके बाद जो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होना है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात की जाए तो जो पुरुष अभ्यर्थी है उनके लिए 4.8 किलोमीटर की दौड़ जो है वो 28 मिनट टाइम के अंदर होना चाहिए, वहीं महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर की दौड़ 16 मिनट टाइम के अंदर ली जाएगी। उसके बाद आपका मेडिकल एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट होगा, उसका एनालिसिस होगा, एंड उस तो यही टोटल जो इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि कंपटीशन एनालिसिस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को जो भी फर्दर डिटेल्स होगा इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग वो प्रोवाइड किया जाएगा A to Z। तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।